जी हाँ, आइए दोस्तों बात करते हैं चीन से शुरू हुई उस बीमारी महामारी जिसने पूरी दुनिया में दहशत का माहौल बना रखा, उसको लेकर अभी तक के हाल के ताजा अपडेट्स क्या आ रहे हैं, आज दिन भर उस बीमारी को लेकर क्या नए अपडेट सामने आए, इसके अलावा अभी शाम के ताजा अपडेट ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज क्या चल रहे हैं चीन से शुरू हुई उस महामारी को लेकर, आइए आपको रूबरू करवाते हैं एक एक तमाम बड़ी खबरों से। बड़ा अपडेट देख पाऊंगे दोस्तों भारत में इस बीमारी को लेकर, लाइव अपडेट देख पाऊंगे कि दिल्ली से आंध्र प्रदेश रेल से जाने वाले 8 लोग संक्रमित हुए हैं, 271 टोटल संख्या अभी तक पहुंच चुकी है। देश में आज केवल आज इस बीमारी के 35 नए मामले सामने देखने को मिले हैं और देश में अब संक्रमित मरीजों की संख्या 271 तक पहुंच चुकी है। दिल्ली से संपर्क क्रांति से आंध्र प्रदेश जाने वाले 8 नए लोग संक्रमित पाए गए और रेलवे ने जनता कर्फ्यू के मद्देनजर रविवार को 3700 ट्रेनों का परिचालन भी रद्द करने की घोषणा की है। तो दरअसल आपको पता होगा कल हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि देश भर में जनता कर्फ्यू रखा जाए, यानी कि पूरा भारत बंद रहेगा, कोई भी दुकान शॉपिंग मॉल्स मंदिर मस्जिद वगैरह कुछ नहीं खुलेंगे और हम खुद भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और इस दौरान बड़ा अपडेट आप देख पाओगे दोस्तों कि जनता कर्फ्यू के दौरान क्या बीच में रोक दी जाएंगी ट्रेनें, हर सवाल का जवाब आपको मिलने जा रहा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील की है और इसी बीच 3500 से भी ज्यादा ट्रेनें तो ऑलरेडी कैंसिल रहने जा रही है, ट्रेनों को बीच में बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। अच्छा, साथ ही और एक बड़ा अपडेट देख पाओगे दोस्तों की ITBP छावला केंद्र में इटली से लौटे 215 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव नजर आई है, 7 दिन बाद फिर से एक बार टेस्ट होगा इनका। और साथ ही लाइव अपडेट आ रहा दोस्तों वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को भी बंद कर दिया गया है, श्रीनगर में मस्जिद में नमाज पर भी रोक लगा दी गई है क्योंकि देश में इस बीमारी को लेकर पूरी जगह हाहाकार मचा हुआ है, सभी सरकारें आम लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने को कर रही है, जितना हो सके दोस्तों आप अपने घरों के अंदर ही रहें। वहीं बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर द्वारा लापरवाही किए जाने का मामला भी सामने आया, आपने देखा होगा। और इसी बीच दोस्तों जब देश में इस दहशत का माहौल चल रहा है इस बीमारी को लेकर, तभी भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो ट्वीट किया और बताया कि इस बीमारी को फैलने से कैसे रोका जा सकता है, ये वीडियो भी आप देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में एक आदमी लिफ्ट से जब ऊपर जाता है तब उसको छींक आती है और वो छींकने के दौरान ना कोई रुमाल ना कोई मास्क वगैरह का इस्तेमाल करता है और इससे उस मशीन के बटन तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है, उस इन्फेक्शन से दूसरे आदमी में पहुंचता है, दूसरे आदमी से वो कोई सामान घर पे डिलीवर करता है उस तक पहुंचता है। अब ये देखिए किताब के द्वारा सभी लोगों तक धीरे धीरे पहुंचता जा रहा, जो भी इसको टच करे उन तक पहुंचता जा रहा, यानी कि एक डिस्टेंस मेंटेन हमें करनी पड़ेगी तभी हम इसको रोक पाएंगे। अगर ये यहीं पर इस रुमाल को यूज कर लेता तो इसको फैलने से रोका जा सकता, राइट। ऐसे में आप भी जरूर खांसते छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें और घर से जब भी बाहर जाएं और जब भी घर के बाहर से घर से अंदर आए ना, किसी भी चीज को छूने से पहले सैनिटाइजर से हाथ जरूर धोएं, ये बहुत जरूरी है दोस्तों क्योंकि आजकल आप मार्केट में जाओ रुपये पैसे करेंसी नोट्स वगैरह मतलब किसी भी चीज को टच करो इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता ही रहता है और इसीलिए आप जरूर अच्छे से हाथ धोएं जब भी बाहर से घर से अंदर आए तो, और बाकी मास्क रुमाल वगैरह का तो जरूर इस्तेमाल करें ही करें, इन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट देख पा रहे होंगे, गुजरात में इस बीमारी के 13 नए मामले देखने को मिले हैं, आइसोलेशन से भागने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई होगी, सरकार ने बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान कर दिया दोस्तों, गुजरात में इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 13 हो गई है। वही राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने बताया कि वडोदरा में 3, सूरत में 3, अहमदाबाद में 5, गांधीनगर में 1, राजकोट में 1 और नया मामला देखने को मिला जो कि अभी स्टेज 2-3 के बीच में है। लेकिन दोस्तों इसी बीमारी को लेकर कुछ डरावनी खबरें भी सामने आ रही हैं जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे और हैरान हो जाएंगे, वो भी आगे आपको बताएंगे। जो भी खबरें हैं दोस्तों ये बिल्कुल न्यूज मीडिया में चल रही है, हेडलाइंस न्यूज वही आपको बता रहे हैं, कोई फेक न्यूज नहीं है, बिल्कुल सही सच्ची खबरें देख पा रहे होंगे। इस बीमारी से लड़ने को तैयार है FMCG कंपनियां, सस्ती हुई आपकी जरूरत की चीजें। जी हाँ, दुनिया भर इस बीमारी के खिलाफ जंग जारी है और भारत में भी इससे निपटने के लिए तमाम उपाय भी किए जा रहे हैं और इसी के तहत देश की FMCG कंपनियों ने आपकी जरूरत के कई प्रोडक्ट्स के दाम घटा दिए। इनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर और पतंजलि जैसी FMCG कंपनियां शामिल हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बयान में कहा कि कंपनी सार्वजनिक हित में लाइफ बॉय सैनिटाइजर, लाइफ बॉय लिक्विड हैंड वॉश और डोमेक्स फ्लोर क्लीनर की कीमतों में 15% तक कटौती कर रही है। और आपको पता होगा कल ही पतंजलि योग गुरु बाबा रामदेव ने भी अपनी कंपनी में कई सारी प्रोडक्ट्स को सस्ता किया, एलोवेरा हल्दी चंदन के साबुन वगैरह में 12.5% तक की रेटों में कटौती की है पतंजलि ने। तो ये देश की कंपनियां भी साथ दे रही इस मौके में, अच्छी बात है। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट देख पा रहे, CM योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया दोस्तों, 35 लाख मजदूरों को तुरंत 1-1 हजार रूपए देगी सरकार। इसी बीमारी के चलते मजदूरों को कोई परेशानी नहीं हो खाने पीने के सामान राशन वगैरह में, इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश राज्य के 35 लाख से भी ज्यादा मजदूरों को 1 हजार रूपए प्रति व्यक्ति देगी। CM योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार तत्काल प्रभाव से ये सहायता राशि उपलब्ध करवाएगी ताकि श्रमिक उनकी दैनिक जरूरतों की चीजें ला सके। उन्होंने कहा कि राज्य में 15 लाख दिहाड़ी मजदूर पंजीकृत हैं, इन्हें 1 हजार रूपए की मदद देंगे और साथ ही चिन्हित 20 लाख मजदूरों जिनमें रिक्शा वाले, खोमचे वाले, रेडी वाले, फेरी वाले, निर्माण कार्य करने वालों को भी 1 हजार रूपए
की सहायता राशि दी जाएगी। ये वाकई में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा फैसला दोस्तों। ऐसा फैसला दूसरी राज्य सरकारों को भी लेना चाहिए, क्योंकि इस मौके पर जरूरत होती है तो असल में मजदूरों को ही होती है, क्योंकि मजदूर जब काम पर जाते हैं, मजदूरी करते हैं दिन में, तभी शाम को उनकी जेब में पैसा देखने को मिलता है। नौकरी पैसा वालों के तो खाते में महीने का महीने मैसेज आ जाता है, उनको ये एहसास नहीं होता कि घर पर बैठे रहने और काम पर न जाने का नतीजा कितना महंगा होता। ये एहसास एक मजदूर ही कर सकता है, जो जब सुबह टिफिन लेके निकलता है ना और शाम को हार थक के घर पे आता है, तब उसकी जेब में 200-250-300 रुपए देखने को मिलते हैं। और जब दोस्तों सरकार के अनुसार जनता कर्फ्यू का प्लान भी चल रहा है, और वैसे भी आजकल तो देश में ये बीमारी चल रही है, तो मजदूरों को भी काम नहीं मिल रहा, और इसलिए इस मौके पर सरकार ने अच्छा कदम उठाया कुल मिलाकर के। अच्छा, इसके अलावा और एक बड़ा अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस बीमारी के चलते दुबई में फंसे सोनू निगम और वे जनता कर्फ्यू को वहां पर भी प्रमोट कर रहे हैं। वाओ, एक तरफ जहां सिंगर कनिका कपूर अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हुए दूसरों की जान खतरे में डालने का आरोप है, वहीं दूसरी तरफ सिंगर सोनू निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू प्रोग्राम को ज्यादा कामयाब और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज प्लेबैक सिंगर सोनू निगम अपने प्रोफेशन के साथ साथ सोशल मामलों पर भी खुलकर बोलने के लिए भी मशहूर है, और खबर है कि वह जल्द ही जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने के लिए एक ऑनलाइन कंसल्ट भी करेंगे। दुनिया भर में इस बीमारी के चलते लगातार बिगड़ रहे हालातों के बीच सोनू निगम अभी दुबई में है और चाहकर भी अपने देश वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सरकार की तैयारियां और बंदोबस्त के अनुसार उन्हें वहां रहना जरूरी है। तमाम अन्य सेलिब्रिटीज की तरह सोनू निगम ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात का समर्थन करने का फैसला किया है, और उन्होंने अपने फैंस से ये रिक्वेस्ट की है कि वे पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने के लिए हर संभव मदद करें। और प्लीज दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बहुत ही दिल से और हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र भाव से, कि प्लीज आप घर से बाहर ना निकले और जनता कर्फ्यू को सपोर्ट करें। कल सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक के बीच में सरकार का प्लान है, घर से बाहर ना निकले प्लीज। और आप अपने परिजनों, दोस्तों, मित्रों को भी ये बात बताएं कि इस प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे ना दोस्तों, देश भर की भलाई है कुल मिलाकर के, ये समझिए। इस चीज को गहराई से और जरा ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा पीएम मोदी जी अभी जो तैयारियां कर रहे हैं ना, देश को एक अपना परिवार मान करके तैयारियां कर रहे हैं। और वाकई में मैं किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों, अगर कांग्रेस भी ऐसा करती है तो मैं उसको अभी खुलकर सपोर्ट करूंगा, साथ दूंगा। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो मैं उसका भी सपोर्ट करूंगा, साथ दूंगा। मेरे को राजनीतिक चर्चाओं से कोई लेना देना, जो सरकार जो राजनेता अच्छे काम करता है ना, वो दुनिया जानती है, भारत की जनता जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, इसी बीमारी के डर से मंदिर, बाजार, दफ्तर वगैरह ये तो सब कुछ बंद हो ही चुके हैं, आपको पता होगा। इससे जुड़ी कुछ दस अहम बातें भी आपको बताना चाहेंगे, जिनमें आप देख सकते हैं, रविवार को देशव्यापी जनता कर्फ्यू से पहले मेघालय की राजधानी शिलोंग में आज बाजार, दफ्तर, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी बंद रहेगी, ये बंदी 24 घंटे तक के लिए होगी। वहीं दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भी भारत की तक्षेस इस बीमारी के ऊपर ये पहल की प्रशंसा की है। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने शुक्रवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से टेलीफोन पर बातचीत की और देशों के लिए भारत की इस बीमारी पर तैयारियों के लिए प्रशंसा की है। और साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी अपने ट्वीट में कहा कि इस बीमारी COVID-19 को हराने के लिए एकजुटता जरूरी है, और ये एकजुटता सिर्फ देशों के बीच नहीं बल्कि विभिन्न आयु वर्गों के बीच भी होनी चाहिए। एकजुटता से हमारे आह्वान को पूरा करने के लिए धन्यवाद। युवाओं के लिए आज हमारे पास एक संदेश है, आप अजय नहीं है, ये बीमारी आपको हफ्तों तक के लिए अस्पताल भेज सकता है या फिर जान भी ले सकता है, और इसीलिए सतर्कता बरतना जरूरी है। जब तक दोस्तों इसका वैज्ञानिकों को कोई इलाज नहीं मिल जाता, और मिल जाने के बाद भी ये तो तय ही रहेगा कि दोस्तों बचाव ही उपचार है। आप जितना ज्यादा कोशिश करेंगे बचाव का, उतना ही ज्यादा सेफ रहेंगे, और बचाव ही उपचार है कुल मिलाकर के। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत कई शहरों में सारे दफ्तर, ऑफिस वगैरह, सरकारी कार्यालय जितने भी हैं, उन सबको 31 मार्च 2020 तक बंद रखने का आदेश दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के सभी मॉल्स वगैरह को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दे दिया। और साथ ही केट, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है ना, उसने दिल्ली के व्यापारी संगठनों के साथ एक बैठक की और उसमें फैसला लिया कि शनिवार से 3 दिन तक दिल्ली के सभी बाजार बंद रहेंगे। इसके अलावा रविवार को दिल्ली की सभी मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेंगी। और रविवार को तो ऑलरेडी वो जनता कर्फ्यू को आपको सपोर्ट करना है, आपको और हमको मिलकर जनता कर्फ्यू को सक्सेसफुल बनाना है, ध्यान रखिए, देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो कल बिल्कुल ध्यान रखना और सपोर्ट करना इसको, है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश के नाम से जाना जाता है ना, उसके भी हालात देखिए। अमेरिका राष्ट्रपति के दफ्तर तक पहुंच चुकी है ये बीमारी, व्हाइट हाउस में एक ऑफिसर पॉजिटिव पाया गया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इस बीमारी ने दुनिया के सुरक्षित जगहों में से एक अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर व्हाइट हाउस में भी दस्तक दे दी है, यहाँ पर एक अधिकारी इस बीमारी से पॉजिटिव मिला है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेनेस के साथ नियुक्त एक अधिकारी इस बीमारी से पॉजिटिव पाया गया। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे सेफेस्ट प्लेस कौन सा है, तो इसका एक बेस्ट आंसर होगा कि अमेरिका का व्हाइट हाउस, जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति बैठते हैं। जरा सोचिए कि वहाँ पर भी ये बीमारी पहुँच सकती है,
तो इस दुनिया की दूसरी जगहों पर इसका पहुंचना बहुत आम बात है और इसीलिए आपको और हमको मिलकर कितनी सावधानी और सुरक्षा रखनी पड़ेगी इस बात का अंदाजा आप शायद यहीं से लगा सकते हैं। हालांकि अमेरिका में इस खुलासे के बाद हड़कंप सा मच गया और अब तक इस बात की जाँच की जा रही है कि ये शख्स व्हाइट हाउस में किन किन लोगों के संपर्क में आया। हालांकि जानकारी मिली है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेनेस ने पिछले कुछ दिनों से इस व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं किया। राष्ट्रपति के डॉक्टरों की टीम और सीक्रेट सर्विस के एजेंट हर समय उस व्यक्ति के तापमान की जांच करते हैं जो व्हाइट हाउस में प्रवेश करता है। जरा देखिए दोस्तों, व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के लिए भी इतनी सख्त गाइडलाइन है ना, जिसका शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतनी सिक्योर और सेफ जगह पर भी जब ये अपनी दस्तक एंट्री दे सकता है तो आपको और हमको बहुत सावधानी रखना पड़ेगा, वरना आपका हमारा घर इन चीजों से कितना सेफ है ये खुद भी जानते हैं हम सभी। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका भी दावा कर रहा है कि सुपर कंप्यूटर से इस बीमारी का तोड़ निकाल दिया। हमने आपको आज के मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन अपडेट में भी बताया था। हालांकि अब भी WHO की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि सुपर कंप्यूटर से वाकई में इसका तोड़ मिला या नहीं। देखते हैं और क्या नया अपडेट आता है, हम आपको जरूर बताएंगे DLS न्यूज के ऊपर। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। और एक चिंता भरी खबर जो आ रही है, आप देख पा रहे कि देश में इस बीमारी का बढ़ता खतरा। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है दोस्तों कि भारत की स्थिति जो है वो इटली से 1 महीने और अमेरिका से सिर्फ 15 दिन दूर है। ये वाकई में चौंका देने वाली खबर है, इसलिए मैंने आपको शुरू में नहीं बताई, कहीं आप डर न जाओ। हजारों लोगों की जान लेने वाले इस बीमारी के प्रकोप से धरती ठप होने की कगार पर पहुंच गई है और एक के बाद एक देशों में लोगों से पूरी गतिविधियां बंद करने के लिए कहा जा रहा। ढहती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकारों ने खजाने खोल दिए हैं। भारत में इस समय इस बीमारी का फैलाव बहुत व्यापक नहीं हुआ। नियंत्रण न होने की स्थिति में वह इस मामले में इटली से 1 महीने और अमेरिका से सिर्फ 15 दिन दूर है। यानी कि 15 दिन बाद जो हालात अभी अमेरिका में चल रहे हैं ना, वो भारत के हो सकते हैं अगर इस पर नियंत्रण नहीं दिया गया तो। और जो हालात अभी इटली में चल रहे हैं, इटली में कितने खतरनाक और गंभीर हालात चल रहे हैं आपको पता ना, चीन से भी ज्यादा बदतर हालात इटली में चल रहे हैं। और वही हालात भारत के हो जाएंगे 1 महीने बाद अगर हम सब ने मिलकर इसको हराने की कोशिश और प्रयासों में साथ नहीं दिया तो। इसलिए जरूर साथ दें जनता कर्फ्यू वगैरह का और जुड़े रहेगा हमारे साथ DLS न्यूज पर। हर पल पल के लाइव अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। वैसे आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि हम पर्टिकुलर आपके राज्य में क्या अपडेट चल रहे हैं इस बीमारी को लेकर आपको जरूर बताते रहेंगे। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी और इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच पाए। और इसके अलावा दोस्तों, सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।